यार फ्रांस में एक नया वेरिएंट आया है, IHU, नहीं, आई हग यू नहीं है, उसका फुल फॉर्म मत जाओ, IHU नया वेरिएंट है ये, मतलब ओमिक्रॉन से बड़ा ऐसा बोल रहे हो, उसका परदादा ऐसा लोग बोल रहे हैं, और ये बहुत डेंजरस है और ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है ऐसा मीडिया वगैरह में आ रहा है, कहीं कहीं पढ़ा भी है मैंने। मतलब अभी क्या होगा यार, लोगों में तो एक डर खौफ का माहौल है, कोई बोल रहा है IHU आया है, उसके बाद ILU आएगा, फिर IMU आएगा, फिर IFU आएगा। यार वायरस कम ये किसी निब्बा निब्बी का प्यार करने का साइन लैंग्वेज कोड वर्ड ज़्यादा लग रहा है मुझे यार। अब क्या क्या वायरस, कितना वायरस यार, अब क्या है, जीने दो यार। और एक बात आज ही मैंने पढ़ी है कि महाराष्ट्र में एक नया गाइडलाइन आया है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आएंगे तो उनको एयरपोर्ट पर जो उनको एक रैपिड टेस्ट होगा उनका, अगर वो टेस्ट में नेगेटिव आए तो 7 दिन तक उनको घर पे रहना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव आए तो 15 दिन तक उनका कटेगा, मतलब उनके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। मतलब ये तो है, ये तो है। देखो सरकार कहीं की भी हो क्या है, लेकिन मैं कोई भी किसी भी जगह की किसी भी देश की गवर्नमेंट की अगर बुराई करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, तो गवर्नमेंट अपना काम करती है, अगर कुछ अच्छा काम करती है, अगर किसी की कुछ मदद करती है, तो कुछ लोग जो जलने वाले बोलते हैं सिर्फ फोकट में जो है ये सब कर रहे हैं, अरे फोकट में नहीं है भाई, उसके लिए कैमरामैन हायर करना पड़ता है, एडिटर हायर करना पड़ता है, उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम होती है जो उस पर बहुत पैसा खर्चा होता है, तब जाके कोई अच्छी सी प्रमोशनल वीडियो बनती है, कुछ काम होता है। लोगों क्या बस चले बुराई ढूंढने यार, ये सब मत करो आप लोग यार। और सुनने में आया कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी को भी ES टेस्टेड पॉजिटिव, अब क्या करे यार, अब किसी ने उनको बताना भूल गया होगा कि मुंह पे मफलर नहीं मास्क लगा के घूमते हैं, इससे आदमी सुरक्षित रहता है, जोक था नहीं, मतलब अब क्या बताऊं कि अब क्या क्या चीजें हो रही है। और सबसे ज्यादा गदर तो ये न्यूज वालों ने काटा है, वो ऐसी ऐसी चीज दिखा के डरा रहे हैं, देखो बॉस दिल्ली में इतने केस बढ़े, मुंबई में इतने केस बढ़े, गुजरात में इतने केस बढ़े, अबे क्या कोविड केसेस का कंपटीशन करवा रहे हो क्या, जो जिसको ज्यादा मिलेगा उसको मेडल दोगे एंड में तुम लोग। अच्छा आदमी सोच रहा है ये क्या कर रहे हो यार, जब मैं पैदा हुआ तो कोई न्यूज नहीं है, जब कॉलेज गया तो कोई न्यूज नहीं, ब्रेकअप हुआ तो कोई न्यूज नहीं, अभी कोविड हुआ तो स्टार बना दिया है, इतना न्यूज, इतना न्यूज, और हर जगह न्यूज। और एक न्यूज और है कि सुना है कि गवर्नमेंट ने ये ऐसा कुछ किया है कि अब सरकारी कर्मचारियों के बायोमेट्रिक्स नहीं होंगे, मतलब देखो बायोमेट्रिक्स से कोविड का डर रहता ना कि फैलेगा जरा वो चुने और ये सब। हाँ अलबत्ता रैलियों में जा सकते हैं, रैलियों में कितनी भी भीड़ इकट्ठा करिए, रैलियों में क्या बॉडी टू बॉडी फिजिकल कॉन्टेक्ट ऐसे धक्का मुक्की होता है तो कोविड छटपटा के मर जाता है उसमें, तो रैली में कोई नहीं है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील भी करी है कि यूपी में के चुनाव स्थगित कर दिए जाए, तो सरकार ने देखो साफ साफ ये बता दिया है कि रात में 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रेस्ट्रिक्शन है ना, तो अंधेरे में तो निकलता है कोविड, अरे वायरस तो अंधेरे में निकलता है ना, चले वायरस है कि शहनशाह है, अंधेरी रातों में जुल्म मिटाने को निकल रहा है। और देखो वायरस अपनी जगह पे, लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया हर जगह बहुत ही जबरदस्त तरीके से, खाली यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, चुनाव है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर थोड़ा वायरस एडजस्ट करेगा, क्योंकि देखो वायरस को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से ना, हर जगह थोड़ी मनमानी करेगा, नहीं उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इस देश में आया है, जगह दी है आपको, तो थोड़ा एडजस्ट करो चुनाव के टाइम में, तो अभी एडजस्टमेंट मोड पे है, तो ये सब कुछ हो रहा है भाई। और मैं तो बस इतनी अपील करूंगा आप लोगों को कि चुनावी दंगल शुरू हो गया है कुछ स्टेट्स में, उसके अलावा टेंशन का भी माहौल है, बट मेरी तरफ से एक अपील है सब तमाम भारतवासियों को और दुनिया में तमाम लोगों को जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखें, और क्योंकि थोड़ा सा ये इन्फेक्शियस है, टाइम बिंग अपने घरों में रहें, ध्यान दें, अपनी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने की चीजें करें आप, वही जो पहले करते थे, नहीं शंख और वो सब नहीं बजाना है, वो क्या कहते हो, ताली थाली नहीं करनी, वही जो पहले करते थे, सारे प्रिकॉशन लें और स्वस्थ रखें अपने आप को। जय हिंद, जय भारत।